आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। अगर आप ये जान गए तो शायद आप नेक्स्ट बार से ना कुछ गलतियां नहीं करोगे। गलती क्या करते हो आप लोग, अभी देखो D3 खत्म होती है ना। जब D3 खत्म होता है ना, बहुत सारे लोग हमें पेमेंट करते हैं, है ना। कोई 1,000 रुपए करता है, कोई 500 करता है, कोई 2,000 करता है, राइट। बट ऐसा क्या होता है, ऐसी हम कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग 7K कंप्लीट नहीं करते, वो मना कर देते हैं बीच में। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, फटाफट से रेज हैंड करो। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि सर वो 7K तक तो पहुंचते ही नहीं, 1,000 2,000 देने के बाद वो सिलेंडर हो जाते हैं। रेज हैंड करो फटाफट से। जिसका रेज हैंड नहीं आएगा हम उनसे पूछेंगे, कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट आ रहा होगा। हम उनसे पूछेंगे जिनका रेज हैंड नहीं होगा, शायद उनके पास अच्छे रिजल्ट आ रहे होंगे, तो हम उनसे ही सॉल्यूशन लेंगे इसका, ठीक है। चलो, तो बहुत सारे लोगों का रेज हैंड नहीं हुआ। अच्छा, मतलब आप लोगों का काम हो रहा है बढ़िया। पिछले महीने कितनी सीसी हुई पूछूं, नहीं तो रेज हैंड कर लो फटाफट से। सारे लोग रेज हैंड कर लो, अभी बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप 7K तक लोगों को नहीं ले पाए ना, तो आप उनका 2CC कैसे कराओगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे आती है आप लोगों को। अभी कल से मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ कि वो 7K तक पहुंचे नहीं रहे, और उससे पहले वो गिवअप कर दे रहे हैं, है ना। अभी आई नो अभी आपके पास प्रोस्पेक्ट नहीं होंगे, या किसी ने आपके साथ पेमेंट नहीं किया होगा, डोंट वरी। बट ये फ्यूचर में आपके साथ हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको पहले से ये चीजें बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और आपके मैक्सिमम नोवस कस्टमर 7K एटलीस्ट कंप्लीट करे, ठीक है। चलो, अभी मेरे को सबका रिजल्ट दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलो ओके, तो हेडिंग डाल लो, ऐसा क्यों होता है। अपने अकॉर्डिंग आप हेडिंग डाल लो कि लोग 7K 7,000 तक क्यों नहीं पहुंचते, क्या क्या रीजन होते हैं। 5 बेसिक्स रीजन है जहां पे आप लोग लैग करते हो, और जिसकी वजह से आपका प्रोस्पेक्ट 7K कंप्लीट नहीं करता, उससे पहले गिव अप कर देता है, उससे पहले आपको 10 बहाने बना देता है कि पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, डीज डैट, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लग जाते हैं प्रोस्पेक्ट, राइट। ऐसे ही होता है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे 5 कारण। ये 5 कारण जान लो आप लोग, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, जैसे ही पर्सन 1,000 500 या 2,000 रुपये पेमेंट करता है, नेक्स्ट डे से आपकी सेल्फ कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। आप लोग उनसे कोऑर्डिनेशन छोड़ देते हो, रिलेशन बिल्ड करना छोड़ देते हो, समझ गए। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, सबसे पहला पॉइंट, सेल्फ कनेक्टिविटी आप लोग नहीं रखते। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो बहुत सारे लोग आपको पता है अपलाइन से कनेक्ट कराते हैं, 500 1,000 पेमेंट करने के बाद अपलाइन तो कनेक्ट रहता है, लेकिन वहां पे जिसका प्रोस्पेक्ट है वो कनेक्ट नहीं रहता, जिसकी वजह से वो 7K कंप्लीट नहीं करता है। सबसे पहला रीजन, ओमकार, आर्यन, सोनी, विजय, आप लोगों को इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा क्या, कैमरा ऑन करने के लिए भेजूं, कर लो प्लीज, सबके लिए स्पेशल थोड़ी बोलूंगा एक एक करके। मुझे पता है बैठे हो आप आराम से, लेकिन कैमरा बंद करके, मेरे को पता है, ठीक है। चलो, मेरे से नहीं बच सकते, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है। चलो जी ओके, तो पहला पॉइंट हो गया सेल्फ कनेक्टिविटी। भैया जब भी कोई पर्सन आपको 500 1,000 रुपये पेमेंट कर देता है, आपको डेली उससे सेल्फ कनेक्टिविटी बना के रखनी है। भले ही आपका अपलाइन उससे कनेक्ट है, उससे नहीं मतलब है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके साथ वो पर्सन काम समझा है, अगर वो आपको पेमेंट किया है, तो आप कनेक्ट हो या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ही कनेक्ट नहीं रहोगे तो वो पेमेंट नहीं करेगा, भले ही अपलाइन कितना ही कनेक्ट क्यों ना हो, समझ गए। सेल्फ कनेक्टिविटी से क्या होता है, रिलेशन बिल्ड होता है, क्लियर। पहला पॉइंट समझ गए। तो ये गलती है जो कि आप लोग करते हो, जिसके वजह से लोग 7K कंप्लीट नहीं करते, इवन 2CC भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम 7K की ही बात कर रहे हैं, ओके। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखो, डोंट टेक रिव्यू आफ्टर 7:30 मीटिंग। डोंट टेक रिव्यू आफ्टर 7:30 मीटिंग। 7:30 की मीटिंग के बाद आप उनसे बातचीत नहीं करते कि आज की मीटिंग में उनको क्या समझ आया, क्या सीखने को मिला, आप नहीं पूछते। आज से आपको पूछना है, एक सेकेंड, लिख लिया पॉइंट।
तो भैया 7:30 की मीटिंग के बाद आपको कनेक्ट रहना है, और कोई भी आपका प्रोस्पेक्ट 7:30 की मिस नहीं करने चाहिए। अगर किसी वजह से 7:30 की मीटिंग नहीं देख पाया, उसको रिकॉर्डिंग भेज के दिखाओ, बट दिखाओ। सबसे पहले तो आप खुद सीरियसली लो 7:30 की मीटिंग को, तभी आप अपने प्रोस्पेक्ट को भी उसकी वैल्यू बता पाओगे। क्लियर? 7:30 की मीटिंग दिखाना और उसके बाद रिव्यू लेना, ये दूसरा बिगेस्ट रीजन होता है जिसके वजह से आपका प्रोस्पेक्ट पेमेंट नहीं करता 7 के बीच में, गिव अप कर देता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखो, 500 हजार या 2 हजार की पेमेंट के बाद आपको, आप अपने अपलाइन से मीटिंग नहीं कराते 5 मिनट या 10 मिनट का। भले ही उसने पेमेंट किया हो, 5,000 का ही किया हो या 1,000 रुपए का ही किया हो, लेकिन आपको अपने अपलाइन से एक मीटिंग करानी है। अगर मैं आपका अपलाइन हूँ, मेरे से कराओगे। अगर आपका कोई और अपलाइन है जो मीटिंग ले सकता है, आप उनसे कराओ, लेकिन 5 से 10 मिनट की मीटिंग करानी है, मतलब करानी है, ये माइंड में बैठा लो। अब क्या बात करेंगे वो हमारे ऊपर है, अपलाइन के ऊपर है। हम उनसे थोड़ा बहुत ही बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्ड करेंगे, और उसको और हम बताएंगे कि हम भी आपके साथ खड़े हैं, आप स्टार्ट करो। वो अपलाइन का काम होता है, इससे ट्रस्ट बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है इस चीज से। लिख लो ये पॉइंट, 500 हजार 2 हजार पेमेंट के बाद आपको अपलाइन से मीटिंग करानी है, मतलब करानी, कभी मिस नहीं करना, 5 मिनट के लिए सही बट करानी। आप चेक करो, अगर अभी कोई भी पर्सन आपका गिव अप किया है, तो क्या आपने मीटिंग कराया अपने अपलाइन से? अगर नहीं, पक्का वो बंदा छोड़ के गया होगा, पक्का 100% श्योर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लेक ऑफ कनेक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया। लेक ऑफ कनेक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है, हम लोगों को बताते हैं कि हम सोशल मीडिया से वर्क करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम ये सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे आप रील देखते हो, आपको कोई मोटिवेशन रील आती है, या फॉरएवर से रिलेटेड कोई आपको रील देखती है, क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट को शेयर करते हो? आंसर इज नो, कनेक्ट नहीं हुआ आप, आपको शेयर करना पड़ेगा। हेलो, मेरी बात समझ आ रही है? क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ चीजें मेंशन करते हो जो उसको माइंडसेट डेवलप करे इस बिजनेस को करने के लिए, उसके उसका ट्रस्ट लेवल को बढ़ाए? क्या वैसी रील को क्या आप उसको मेंशन करते हो? नहीं करते हो, तो भूल जाना आपका प्रोस्पेक्ट 7K कंप्लीट करेगा, टू सीट तो बहुत दूर की बात है। ये अप्लाई नहीं करेगा, ये आपको करनी पड़ेगी अगर आपने उसको काम समझाया है। ये मैं आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ जिससे रिजल्ट आएंगे, 100% आएंगे, आप करके देख लेना। अगर आप ये प्रोसेस को फॉलो करोगे ना, आई एम 100% श्योर वो प्रोस्पेक्ट 2CC भी करेगा आपके साथ। समझ गए? लिख ले पॉइंट, लैक ऑफ कनेक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट रहो। हम बोलते हैं ना, कुछ कुछ चीजें उनको शेयर करो, वही चीज शेयर करना है आपको। देखो, जब आप रील देखोगे ना, आपको बहुत सारे अटपटे रील भी दिखेंगे, डांसर वाले भी दिखेंगे, वो सब को नॉट इंटरेस्टेड कर देना। क्या करना? नॉट इंटरेस्टेड, नेक्स्ट बार से आपको वैसी वीडियो ही नहीं दिखेगी। जो वीडियो आप ज्यादा देखोगे इंस्टाग्राम पे, वही आपको वीडियो दिखेगी, इंस्टाग्राम आपको वही सजेस्ट करेगा। अगर आप मोटिवेशनल रील देखते हो, फॉरएवर से रिलेटेड आपको अगर आप रील देखते हो, उसको लाइक कमेंट करते हो, तो आपको इंस्टाग्राम सिर्फ वही रील ही सजेस्ट करेगा जब भी आप अपना रील ओपन करोगे। लेकिन आप रील देख रहे हो डांस वाली, है ना, या फिर अलग अलग चीजें, समझ रहे हो मेरी बात, तो आपको वैसे ही रील ही आएगी। आपको वैसे रील को लाइक करना है जो आपके काम का हो, जो आपके प्रोस्पेक्ट का काम का हो, तो आपको वैसे ही रील ही इंस्टाग्राम सजेस्ट करेगा, ताकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को भेज सको। क्लियर? ये चीज आज से करना शुरू कर देना। ये चीजें मैंने पहले भी बताई है कि अपने प्रोस्पेक्ट को मेंशन करो, अपलाइन को मेंशन करते हो ना अपने। आज ऐसे फ्रेंडशिप डे था, एक सबसे बढ़िया था, आज सबसे अच्छा तरीका था आज रिलेशन बिल्ड करने का, अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करते, बातचीत करते, उसको बोलते हैप्पी फ्रेंडशिप डे ब्रदर, हैप्पी फ्रेंडशिप डे सिस्टर। बोला आपने, क्या उसको आपने मेंशन किया? कुछ नहीं किया। ये आपको खुद से करना पड़ता है, ये खुद से आपको दिमाग लगाना है कि मैं ऐसी कौन कौन सी चीजें करूं जिनसे रिलेशन बिल्ड हो। सोचो कितना अच्छा पॉइंट है, आज कितना अच्छा दिन था जिससे आप अपने प्रोस्पेक्ट साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते थे। अगर अभी तक नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी भी कर सकते हो, मीटिंग के बाद उसको मेंशन करना, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अब आप चेक करो कि क्या वो रीमेंशन कर रहा है। अगर रीमेंशन कर रहा है, तब तो मैटर ओके है, सब बढ़िया चल रहा है। अगर नहीं किया, तो कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉब्लम है। था ना आज का दिन बढ़िया, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बात करने के लिए? बताओ चैट में, बताओ फटाफट से, था या नहीं, कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? अभी बहुत सारी फेस्टिवल्स आने वाली है,
करो ना, क्यों नहीं करते उसको मेंशन करो ना, कोई कोई फेस्टिवल आ रही है उसको मेंशन करो ना। क्यों रिलेशन बिल्डिंग नहीं होगा, क्यों प्रोस्पेक्ट आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा, बताओ ना। ये चीज करो, ये चीज हो सकता है अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ करो। मेरे को इस चीज से रिजल्ट आता है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने कहीं से नहीं सीखा, ये मैंने अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर करोगे आज के बाद से? कोई फेस्टिवल आए, कुछ भी, कोई भी अच्छा दिन आता है, मेंशन करो। आपको टॉपिक बोलते हैं सर प्रोस्पेक्ट से हम बात करें क्या, अभी क्या चल रहा है, मौसम क्या चल रहा है बताओ। बरसात का मौसम चल रहा है, कॉल करो पूछो, और आपके साथ बारिश हो रही है? हाँ जी सर बहुत, अरे हमारे साथ तो बाढ़ आ गया, आपके साथ आई नहीं है? ये टॉपिक है जिससे आप बात कर सकते हो, ये आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलते सर क्या बात करें, यही बात करनी होती है। कॉल करने के बाद मैंने बोला ना, जब भी प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बिल्ड करते हैं। जैसे अभी आप काम भी समझा रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट को, थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्ड करने के लिए यही पॉइंट है। अभी जो मौसम चल रहा है उसके बारे में बात कर लो, ठंड का मौसम चल रहा है ठंड के बारे में पूछ लो, अच्छा भाई आपके साथ ठंड कैसा है, मेरे साइड तो यार बहुत है, वाट एवर जैसे भी करना है। ये आपको खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं बिजनेस से हटके और क्या बात करूं जिससे 1-2 मिनट थोड़ा बातचीत हो बिजनेस से हटके। क्लियर गॉट इट? अभी देखो ट्रेंडिंग में क्या चीजें चल रही हैं, उसके ऊपर आप बातचीत कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, आपको ये खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। अगर आप ये छोटी छोटी चीजों करोगे ना, आपका प्रोस्पेक्ट आपके ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करेगा, ब्लाइंडली, क्योंकि उसको ये समझ आ जाएगा कि ये पर्सन मेरे को सिर्फ बिजनेस नहीं समझा रहा, ये मेरे साथ एक एज अ फ्रेंडशिप है, एज अ फ्रेंड है। जिस दिन ये प्रोस्पेक्ट को फील हो गया ना, हो ही नहीं सकता वो आपके साथ बिजनेस ना करे, हो ही नहीं सकता वो 2CC ना करे। दोस्त तो बनाओ, दोस्त जैसा बातचीत तो करो, सिर्फ सीनियर और बॉस जैसा बात मत करो। क्लियर आगे बढ़े? चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेक ऑफ कनेक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया। दबा के कनेक्ट रहो अपने प्रोस्पेक्ट से, जो अच्छी चीजें आती है शेयर करो। देखो प्रोस्पेक्ट के लिए कौन सा रील जो उनके माइंडसेट को डेवलप करे, वो रील शेयर करो ना, 100% देखेगा। लेकिन एक चीज और, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा है, आपको फॉलो बैक देना है, एटीट्यूड में मत रहना मैं क्यों दूं, वो भी एटीट्यूड में रहेगा मैं 7,000 क्यों दूं, कर लेना फिर, कर लेना फॉलो बैक, इससे ट्रस्ट बढ़ता है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। 500,000 रुपए अगर कोई प्रोस्पेक्ट दे देता है, उसके बाद हम उसको इतना सारा टाइम दे देते, इतना सारा, भैया आराम से करो, 7,000, 5 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, 15 दिन लगाओ, और यहाँ पे गेम हो जाता है ओवर। जितना ज्यादा आप अपने प्रोस्पेक्ट को टाइम दोगे पैसे अरेंजमेंट के लिए, उतना हाईली चांसेस है कि उसको कोई निगेटिव कर देगा, हाईली चांसेस है, हाईली चांसेस है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, वो ज्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में है। तो हम देखते हैं बहुत से लोग 7K कंप्लीट कराने में 10 दिन 15 15 दिन लगा देते हैं, वो 2 CC घंटा करेगा उस महीने, बताओ ना, नहीं करेगा। एक चीज माइंड में बैठा लो, एक चीज माइंड में बैठा लो, हर एक प्रोस्पेक्ट 2 से 3 दिनों के अंदर 7K अरेंज कर सकता है, अरेंज कराने वाला होना चाहिए। ये मत सोचना हम अपने माइंड में बैठा लेते, नहीं सर इसके पास तो पैसे ही नहीं है, अरे भैया वो दिक्कत नहीं है, अभी अगर उसको कोई इमरजेंसी आ जाए ना, मोबाइल टूट गया या घर में कुछ हेल्थ इश्यू आ गए, तुरंत अरेंज कर लेगा वो प्रोस्पेक्ट, आई नो जानते हो ना कर लेगा, लेकिन इस कंडीशन में क्यों नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उसको अभी भी ट्रस्ट नहीं हुआ, उसको बिलीव नहीं हुआ, इसलिए वो अभी पूरा पे नहीं किया अमाउंट। माइंड में बैठा लो, ज्यादा टाइम नहीं देना, ज्यादा टाइम नहीं देना, मैक्स टू मैक्स अगर आज प्रोस्पेक्ट आपको 1,500 रुपए दिया है, 2 से 3 दिन का टाइम, कितने 2 से 3 दिन का टाइम, अगर वो 7K नहीं कर पाया, उसका ऑर्डर डल जाना चाहिए 1,500 रुपए का, नुकसान उसका नहीं। ये मत सोचना सर 1,500 का ऑर्डर डाल देंगे तो उसका नुकसान, क्यों नुकसान होगा, मैं 1 महीने का टाइम होता ना हमारा, जो जो 5-6 हज़ार, 7 हज़ार का बिलिंग होता है, वो 1 महीने के अंदर अगर वो बिल होता है, देन वो इलिजिबल है रिस्पॉन्सरिंग करने के लिए, राइट, देन वो इलिजिबल है ना रिस्पॉन्सरिंग के, डरते क्यों, अगर नहीं हुआ तो उसका ऑर्डर डल जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा दिक्कत, पता है ना दिक्कत क्या होगी, रिटर्न मांगते लोग पैसे, फंस जाओगे फिर यहाँ पे, आपका मेहनत चला जाएगा पानी में। करने वाला प्रोस्पेक्ट 1 दिन में भी कर देता है, 2 दिन में कर देता है, ना करने वाला प्रोस्पेक्ट 10 दिन में भी नहीं करता, ये चीज माइंड में बैठा लो, 2 से 3 दिन, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना, अगर नहीं किया उसके प्रोडक्ट का ऑर्डर डल जाना चाहिए 1,500-2,000 रुपए का, बाकी का फिर वो अमाउंट देगा तब का तब देखेंगे, उसका उसका भी ऑर्डर डाल देना, लेकिन सेम मंथ में ऑर्डर होगा, देन योर प्रोस्पेक्ट आर एलिजिबल फॉर ज्वाइनिंग, किसी की भी ज्वाइनिंग करा सकता हूँ। पैसे नहीं रखने किसी भी प्रोस्पेक्ट के लंबे समय तक, खासकर 1,500-2,000 याद रखना,
क्लियर? ये चीज बहुत सारे लोगों को पता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ऑर्डर डल जाना चाहिए, माइंड में बिठा लो 2 से 3 दिन। अगर 500 रुपया किसी प्रोस्पेक्ट ने दिया है, कोशिश करो फास्टली 1.5-2 हजार रुपए करने का, और कोशिश किया करो कि प्रोस्पेक्ट से ना 500 ना लिया करो। अगर सेम डे अगर वो 500 दे रहा है ना डे 3 के बाद, कल एटलीस्ट 1000 रुपए और आ जाने चाहिए, 1500 मिनिमम आने चाहिए मिनिमम। अगर आप 1000 रुपए अपने प्रोस्पेक्ट से ले रहे हो, आप ऑर्डर नहीं कर सकते उसका, कर ही नहीं पाओगे, या तो फिर आपको अपने जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेवर में मिनिमम ऑर्डर 1300-1400 रुपए का होता है मिनिमम, उससे कम का नहीं होता। आप अपने प्रोस्पेक्ट को पैसे, सॉरी प्रोडक्ट नहीं भेज पाओगे। 500 ले रहे हो ठीक है, लेकिन दूसरे दिन एटलीस्ट 1000 रुपए ले लेना, फिर उसको 1-2 दिन का टाइम देना 7000 के लिए। गॉट इट? चलो नेक्स्ट पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए एक बार चैट में बताना, मुझे चैट में बताना कितने पॉइंट हो गए। पॉइंट 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 4-5, 4-5, 4-5। चलो ठीक है, जिसने अपने अकॉर्डिंग जैसा भी लिखा हो, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट पॉइंट, वो है लेक ऑफ अर्जेंसी। लेक ऑफ अर्जेंसी, आप अच्छे से अर्जेंसी नहीं दे पाते, इसीलिए आपका प्रोस्पेक्ट जल्दी 7K नहीं करता। समझ गए? आपको अर्जेंसी बढ़िया तरीके से देना पड़ेगा। बोल देना किसी भी प्रोस्पेक्ट को कि भैया अगर आज आपने 1000 या 2000 दिया है, मैक्सिमम आपको 2 से 3 दिन का टाइम मिलेगा, ग्रेस टाइम 7K कंप्लीट करने के लिए। बोल देना ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो फिर उसका 2CC होने में बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज्यादा लंबा टाइम चला जाएगा। आप एक ही प्रोस्पेक्ट में पूरे महीने बिता दोगे ये सोच के कि मेरा एक प्रोस्पेक्ट तो ही, वो तो करेगा 2CC, पता चला पूरा महीना खत्म और उसने भी नहीं किया, CC होगी 0। यही होती मैक्सिमम लोगों के साथ, एक प्रोस्पेक्ट पे डिपेंड हो जाते हैं। सर यही करेगा, अब यही तो है जो 2CC करेगा, चला करा लो आप उसकी 2CC, पूरे महीने जाएगा वो, और लास्ट में वो भी नहीं करेगा, रोगे बैठ के फिर, सर मेरे तो इनकम पे आउट नहीं बना, मेरा बिजनेस नहीं हुआ, कहाँ से होगा, एक प्रोस्पेक्ट पे डिपेंड हो गए। डेफिनेटली क्लियर? मेरी बात समझे, डोंट डिपेंड ऑन सिंगल प्रोस्पेक्ट। बहुत सारा प्रोस्पेक्ट बनाओ, बहुत सारा, जब आपके पास बहुत सारा प्रोस्पेक्ट होगा ना, खुद से उसको मुंह पे मना करोगे, भाई तू मेरे काम के लायक नहीं है, मैं तेरे को ज्वाइन नहीं कराऊंगी। लेकिन आप ये तब नहीं बोल पाओगे जब आपके पास 1-2 प्रोस्पेक्ट होंगे, डर लगेगा आपको, कैसे बोल दूं, जो वो भी भाग के चला जाएगा। आप जो फॉरएवर फेवरेट ग्रुप में है, मैं चमकाता हूँ लोगों को, आई हैव मोर प्रोस्पेक्ट, मेरे पास बहुत सारे हैं, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, 1-2 लोगों को मना भी कर देता हूँ, लेकिन वो पेमेंट कर देते हैं मना करने के बाद, अच्छी बात ही है। तो ये तभी कर पाओगे जब आपके पास लोग ज्यादा होंगे, तब आप कर पाओगे। क्लियर? तो ये मैंने लगभग आपको लगभग 5-6 पॉइंट्स बताए हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर लेना प्लीज। हम नहीं चाहते कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट 1500-2000 रुपए दिया है तो वो हमारे यहाँ सिस्टम से आउट हो जाए, आपकी गलती होती है जिसकी वजह से वो आउट हो जाता है, आपकी गलती होती है। अगर किसी ने 1000-1500 दिया है सेम डे पे, कुछ तो रीजन होगा, लेकिन बाद में ऐसा क्या होता है, उसके मम्मी पापा मना कर देते, वो मम्मी पापा नहीं मना करते, वो एक एक्सक्यूज होता है, याद रखना एक्सक्यूज होता है, कोई मम्मी पापा मना नहीं करते, ना वो मम्मी पापा से पूछता है, कोई भी प्रोस्पेक्ट अपने मम्मी पापा से पूछता ही नहीं भाई कि करूं या ना करूं, वो खुद का ही डिसीजन होता है उसका, वो खुद अपने माइंड से बोलता है कि मम्मी पापा नहीं मान रहे, वो खुद अपने माइंड से बोलता है, क्योंकि उसके अंदर आ गई नेगेटिविटी या कुछ ऐसा बात चला गया जिसके वजह से उसको लग रहा है यार ये बिजनेस मेरे से नहीं होगा, छोड़ हटाओ। ये गलती प्लीज नेक्स्ट बार से मत करना जो कर रहे थे, और जिसको अभी तक ये चीजें फेस नहीं करी है, आपके लिए प्लस पॉइंट है कि मैंने वो चीज पहले बता दी जो आपके साथ होना था। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो किसी को कोई डाउट है इन सारे पॉइंट्स में, तो चलो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ पॉइंट्स को, लिख लेना एक बार। पहला पॉइंट सेल्फ कनेक्टिविटी, दूसरा पॉइंट डोंट टेक, सॉरी दूसरा पॉइंट 7:30 की मीटिंग दिखाओ और रिव्यू लो, तीसरा पॉइंट अपलाइन से मीटिंग ना करवाना 5 से 10 मिनट की, ये एक गलती रहती है आपकी। लेक ऑफ कनेक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया, टाइम ज्यादा दे देना पैसे अरेंज करने के लिए, एंड लास्ट लेक ऑफ अर्जेंसी, लास्ट लेक ऑफ अर्जेंसी। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, अब हम आते हैं।